राशन की हेराफेरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में जरीपटका पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 26 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जरीपटका पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि पाटनकर चौक तथागत कॉलोनी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गेहूं की ट्रकों से कुछ माल निकाला जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस तत्काल उक्त घटनास्थल पर पहुंची और खबर सही होने की पुष्टि होते ही उन्होंने घटना में उपयुक्त ट्रक साथ ही अन्य चीजें भी जब्त कर ली। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक वैभव जाधव ने अधिक जानकारी साझा की। 15/10/2021 ला 10 वाजता गोपनीय माहिती मिळाली की पाटनकर चौक परिसरामध्ये तथागत कॉलनी या ठिकाणी सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे गावामध्ये ट्रक उभे असून त्यामधून काही माल काढण्यात येत आहे। त्यावरून तत्काळ डीबी पथक त्या ठिकाणी पाठवून खात्री केली। त्यानंतर पुरवठा विभागाचे अधिकारी बोलवून खात्री करण्यात आली की तो गहू हा या ठिकाणी न थांबता संबंधित गोडाऊनला जाणे आवश्यकता होते आणि त्या ट्रकमधून तो माल काढता येत नाही, त्याबाबत आम्ही सर्व खात्री केली। आणि खात्री केल्यानंतर सदर दोन्ही ट्रक आणि त्या ट्रकमधून जे गहू छोटा हत्तीमध्ये काढले होते ते सर्व तिन्ही गाड्या आम्ही जप्त केल्या। एकूण 26,53,000 रुपयाचा मुद्देवर आम्ही जप्त केलेला आहे। आणि सदर गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी हरविंदर सिंग रविंदर सिंग भाटिया अमन सिंग रविंदर सिंग भाटिया आणि टाटा एसचा जो ड्रायव्हर होता नसीम अकबर खान यांना अटक केलेली आहे आणि परत एक व्यक्ती अटक करणे बाकी आहे। आमची इन्क्वायरी चालू आहे, आता आज आरोपी आमच्या ताब्यामध्ये, आमची इन्क्वायरी सुरू आहे। माननीय पोलीस उपायुक्त श्री कलवानिया सर, सहायक पोलीस आयुक्त श्री रोशन पंडित सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या डीबी पथकाने आणि संबंधित बीट अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी हरविंदर सिंह भाटिया अमन सिंह भाटिया और नसीम अकबर खान को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 26 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।